brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे। कल ही लिखित में मां महिम को चिट्ठी भेजी गई है जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराया जाए। अरे कहता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग जो हम सोचते थे बंद हो गई, नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चलाई है। और अगर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में लगाना चाहिए। एक नया मोड़ आया है। और 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी आज वो अल्पमत में चली गई है क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 MLA, एक भारतीय जनता पार्टी का एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दिया और 3 MLA इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट से गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। अब कांग्रेस ने एक कदम उठाना है कि क्या कांग्रेस के 30 और उनके सपोर्ट में जो विधायक हैं प्लस विपक्ष के और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहते हैं वो ये कदम उठाए कि परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और जो सरकार विश्वास खो चुकी है उसको बदलने के लिए मां महिम को लिखित में भेजने का काम करें। से कल ही लिखित में मां महिम को चिट्ठी भेजी गई है जिसके अंदर ये मांग करी गई है कि संविधान के अनुसार फ्लोर टेस्ट कराया जाए। वो तो मां महिम राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराना है और फ्लोर ऑफ द हाउस 44 का आंकड़ा पार करना, क्योंकि 88 विधायक है, 45 की सहमति लेना, ये इनकी सरकार का लक्ष्य रहेगा। देखते आने वाले समय में कितने विधायक इसके अंदर इनके साथ 44 में से मिले। अरे कहता हूँ कि हॉर्स ट्रेडिंग जो हम सोचते थे बंद हो गई, नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में चलाई है, मगर जब तक संगठन के आदेश होंगे, विप के आदेश होंगे, सभी विधायकों को उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसी के अनुसार जो प्रक्रिया है फ्लोर ऑफ द हाउस की वो चलेगी। कार बनी है, पिछले अविश्वास जो आया था वो मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में जो सरकार थी उसके ऊपर आया था। आज नायब सैनिक जी प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने, एक नई सरकार बनी है और उस सरकार में बैठे 3 लोगों ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया है। तो ये तो अब महामहिम को देखना है कि नई सरकार के विरोध में संविधान के अनुसार ये ताकत मां महिम के पास है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस टेस्ट करा सकते हैं कि मेजॉरिटी सरकार के पास है या नहीं है। और अगर सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है तो तुरंत प्रेसिडेंट्स रूल प्रदेश में लगाना चाहिए।